अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही आसान सी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी, खुसखुस की रेसिपी। तो मैंने उसके लिए ले लिया यहाँ हाफ कप के जितना खुसखुस। उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया और अभी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बॉइलिंग वाटर। पानी को मैंने कैटल में ही बॉयल कर लिया। आप चाहें तो आप पानी को किसी भी देगची में पॉट में बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं। पानी हमने इतना ऐड करना है कि जो खुसखुस है वो उसके अंदर सोख हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा बाउल को फुल नहीं कर देना। अभी मैंने प्लेट से इसको कवर करके साइड पे रख दिया है। यहाँ मैंने पैन में तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल शामिल कर दिया है। यहाँ मेरे पास जो वेजिटेबल्स हैं उसमें मैंने प्याज लिए है, मिक्स पेपर लिए हैं और टमाटर ले लिए हैं और इन सबको मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है। अभी मैं अनियन को और अपनी जो पेपर्स हैं उनको ऐड कर दूंगी, लेकिन टमाटर मैं अभी ऐड नहीं करूंगी। और इन सारी वेजिटेबल्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं मीडियम से हाई फ्लेम पर इनको सोते करूँगी। मुझे इन्हें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो थोड़ी सी सैलड टाइप लगेगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वेजिटेबल्स उसमें लाइक खड़ी खड़ी नज़र आएं, एक अच्छा सा कलर आएगा उससे, तो इसलिए मैं इन्हें बहुत ज़्यादा गलाऊंगी नहीं। और ये जो सब्ज़ियाँ हैं इनको वैसे भी बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये थोड़ी सी क्रंची ही हों तो अच्छी लगती हैं। अभी 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें अपने जो टमाटर थे वो भी शामिल कर दूँगी। टमाटर मैंने इसमें पहले इसलिए शामिल नहीं किए क्योंकि टमाटर अगर मैं पहले शामिल करती तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते और हमें यहाँ इसकी ग्रेवी तो बनानी नहीं थी। मुझे सिर्फ ये है कि इनका एक कलर और एक वेजिटेबल्स का जो एक टेक्सचर है ना, वो मुझे ना थोड़ा लाइक निखरा निखरा से चाहिए, थोड़ी वो खड़ी खड़ी रहें, इसलिए मैंने टमाटर पहले ऐड नहीं किया। उसके साथ ही अभी मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, जीरा, 1 टीस्पून ही मेरे पास नमक है, सॉल्ट, मेरे पास एक पिंच एक चुटकी के जितनी हल्दी है, टर्मरिक, 1 टीस्पून मेरे पास ओरिगेनो है ड्राई, 1/2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है एंड तकरीबन 1/2 टीस्पून ही मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, जो दरदरी हुई मिर्च होती है ना वो वाली। अभी इन स्पाइसेस को भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस के साथ वेजिटेबल्स को। ये बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है और बहुत जल्दी बन जाने वाला है, क्योंकि जो हमने इसमें सब्जियाँ यूज़ की हैं उनको हमें बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती, बड़ी क्विक सी वेजिटेबल्स हैं। इनको मैंने अभी अच्छे से यहाँ मिक्स कर लिया। अभी मेरे स्पाइसेस यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अभी मैं यहाँ 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड कर दूंगी। टोमेटो केचप ऐड करने से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और उसके साथ साथ जो हमारे स्पाइसेस हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि जो टोमेटो केचप का टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है, तो वो स्पाइसेस को बैलेंस कर देगा। ये जो खुशखुश मैंने पानी में सोक किया था, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया इसमें, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहें तो आप बॉयल चिक्कीज भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं चिक्कीज ऐड करती हूँ लेकिन अभी मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किए, लेकिन नॉर्मली मैं इसमें जो चिक्कीज होते हैं वो भी ऐड करती हूँ बॉयल। तो ये ऑलमोस्ट डन है, बस इसको भी मैं थोड़ा सा आग को बिल्कुल आहिस्ता करके, तो इसको मैं 1 मिनट तक के लिए कवर कर दूँगी। अभी यहाँ 1 मिनट हो गए, बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैंने अभी डिश आउट कर ली है।
और आप देख रहे होंगे काफ़ी कलरफुल लग रहा है, और ये सैलड भी है, एक फुल मील है। आप इसको खाएंगे तो काफ़ी फिलिंग लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है, 5 से 6 मिनट ही लगते हैं अगर आपने वेजिटेबल्स वगैरह की प्रिपरेशन की हुई हो पहले, कटिंग वगैरह। तो यहीं तक की थी मेरी रेसिपी आज की, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपनी फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।